तो मास्टर स्ट्रोक में आज हम सबसे पहले एक सवाल का विश्लेषण करेंगे और सवाल यह है कि क्या इस देश की राजनीति रिफॉर्म विरोधी है, रिफॉर्म्स यानी सुधार। और हम किसी खास पार्टी के सुधारों या खास पार्टी के राजनीतिक विरोध की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये सवाल भारत के इतिहास से लेकर अब तक किए गए सुधारों के आधार पर उठा रहे हैं। देश में अग्निपथ योजना को लेकर आग लगी हुई है, सरकार और सेना की तरफ से इसे सैन्य सुधार बताया जा रहा है क्योंकि ये तर्क दिए जा रहे हैं कि इससे भारत की सेना की जो औसत आयु है वो कम हो जाएगी और पेंशन का जो खर्च है वो भी बच जाएगा, लेकिन देश इसे स्वीकारने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आज ये कहना पड़ा कि कुछ सुधार अभी खराब लग सकते हैं लेकिन वो खराब है नहीं। सबसे पहले आप प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान सुनिए। स्टार्टअप्स और इनोवेशन का रास्ता आराम का, सुविधा का नहीं है और बीते 8 सालों में देश को इस रास्ते पर तेजी से बढ़ने का रास्ता भी आसान नहीं था, सुविधा का नहीं था। कई फैसले, कई रिफॉर्म तात्कालिक रूप से अप्रिय लग सकते हैं लेकिन समय के साथ उन रिफॉर्म का लाभ आज देश अनुभव करता है। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि क्या इस देश में सुधारों को लागू करना मुश्किल है, क्योंकि चाहे वो कृषि कानून रहे हो या फिर GST जैसा बिल, लगातार विरोध हुआ है। हम डिटेल में इसका विश्लेषण आगे करेंगे लेकिन आज सबसे पहले आपको सेना की अग्निपथ योजना से जुड़े अपडेट्स बता देना चाहती हूँ। सरकार ने आज सेना में भर्ती के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया है। जुलाई में अग्निवीर योजना के थ्रू जवानों की भर्ती होगी, 8वीं पास को भी मौका मिलेगा। विरोध की इस लड़ाई में अब संयुक्त किसान मोर्चा भी कूद गया है। संयुक्त किसान मोर्चा 24 जून को अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन करेगा। इस बीच आंदोलन की वजह से अब तक कुल 597 ट्रेनें प्रभावित हो चुकी है, 208 मेल एक्सप्रेस और 379 पैसेंजर ट्रेन कैंसिल हुई हैं। तोड़फोड़ और आगजनी की वजह से रेलवे को 1,000 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका है। इस बीच उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले 525 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सरकार को या सेना को शायद ही अंदाजा रहा होगा कि उसकी इस अग्निपथ योजना का इतना विरोध होगा, इतना कि लोग आगजनी और तोड़फोड़ पर उतारू हो जाएंगे, लेकिन ये सब हो रहा है आपके सामने, आपकी आंखों के सामने हम सब देख रहे हैं। इस योजना को सरकार जल्द से जल्द लागू करना चाहती है, इसीलिए सेना में भर्ती की जो प्रक्रिया है उसको तेज कर दिया गया है। आज थल सेना ने अग्निपथ योजना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के तहत थल सेना में अग्निवीरों की 6 अलग अलग कैटेगरीज में भर्ती की जाएगी। ये जो 6 कैटेगरीज हैं वो कौन सी है उसे जान लीजिए। पहली कैटेगरी है जनरल ड्यूटी, जिसके लिए कैंडिडेट को 45% नंबरों के साथ 10वीं पास होना चाहिए। दूसरी कैटेगरी है टेक्निकल, जिसमें कैंडिडेट को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश जैसे विषयों में 50% के साथ 12वीं पास होना जरूरी है। तीसरी कैटेगरी है टेक्निकल एविएशन एंड एम्यूनिशन एग्जामिनर, इसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट में 50% के साथ 12वीं पास होना जरूरी है। चौथी कैटेगरी है क्लर्क, स्टोर कीपर की, जिसमें 60% नंबरों के साथ 12वीं पास होना जरूरी है। पांचवी कैटेगरी ट्रेड्समैन, जिसमें योग्यता सिर्फ 10वीं पास है। और छठी कैटेगरी भी ट्रेड्समैन की ही है, इसमें कैंडिडेट के लिए योग्यता सिर्फ 8वीं पास है। इस योजना के थ्रू जो भी सेना में भर्ती होने के इच्छुक हैं उन्हें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद सभी को ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, इसके साथ वो भर्ती रैली में भाग ले पाएंगे। अग्निवीरों की भर्ती 3 अलग अलग फेजेस में, चरणों में होगी। पहला चरण होगा फिजिकल टेस्ट का, दूसरा होगा मेडिकल टेस्ट का, तीसरा होगा लिखित परीक्षा का। इसके अलावा NCC कैडेट्स को लिखित परीक्षा में अतिरिक्त नंबर मिलेंगे। लिखित परीक्षा में स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के भी एक्स्ट्रा नंबर्स होंगे। पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के बच्चों को भी फिजिकल फिटनेस टेस्ट में थोड़ी छूट जरूर मिलेगी। तो ये आज के नोटिफिकेशन की डिटेल थी जो हमने आपको बता दी है कि इन अग्निवीरों को सरकार की तरफ से सुविधाएं क्या क्या मिलेगी अब जान लीजिए। इनकी सैलरी और 4 साल के बाद
एक मुश्त मिलने वाले रकम के बारे में पहले ही दिन बताया जा रहा था, लेकिन कुछ चीजें आज और ज्यादा क्लियर हो गई है। जैसे अग्निवीरों को किसी भी तरह की पेंशन या ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी, ना ही उन्हें एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी ECHS का फायदा मिलेगा। इसके अलावा CSD यानी कैंटीन की सुविधा भी नहीं मिलेगी, ना ही उन्हें पूर्व सैनिक का दर्जा मिलेगा, ना ही उनसे जुड़ी कोई सुविधा उनको मिलेगी पूर्व सैनिक से। अग्निवीरों को एक साल में सिर्फ 30 दिन की छुट्टी मिलेगी, 4 साल के बाद अग्निवीरों को एक स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा, 10वीं के बाद भर्ती होने वाले अग्निवीरों को 12वीं का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सिटी जानिए कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम। बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।